गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में हमारे यहाँ का मॉर्निंग रूटीन जो हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ में है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आज मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो मम्मी मुझे सेवा दे करके गई थी कि मैं इनका ध्यान रखूँ। तो लड्डू गोपाल जी पास में ही सोए हुए थे, तो बस इनके सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को ही देखा था कि वो सही से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। जैसे एक माँ होती है ना, जो उठते ही अपने बच्चे को देखती है कि वो सही से सो रहा है या नहीं सो रहा है, तो बस मैंने उनको देखा है। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने भगवान जी को याद किया है, मैं भगवान जी को याद करती हूँ। उसके बाद में सबसे पहले मैंने धरती माँ के पैर छुए। धरती माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धरती माँ जो होती है वो हमें अन्न देती हैं, सब्जियाँ देती हैं, फल देती हैं, हमारा बोझ उठाती हैं और उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती हैं। तो उसके बाद में मैंने अपने पट खोले हैं और भगवान जी को डोक लगा करके मैंने अपने नहा लिया है। नहा लेने के बाद में मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है कि जब भी भगवान जी को ढोक लगाओ, पूजा करो, कोई भी छोटी पूजा हो या बड़ी, सुहाग का सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, ये हमेशा पहनी हुई होनी चाहिए। तो हम जब ढोक लगाते हैं तो भगवान जी को इनडायरेक्टली हम अपना जो सुहाग है उसको भी आशीर्वाद दिलवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढोक लगा लिया है और ढोक लगाने के बाद में सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो होता है क्लीनिंग का। तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ऊपर ऊपर से पहुँच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीप क्लीनिंग जो है वो दशमी वाले दिन होती है और ग्यारस वाले दिन है ना, जो हमारे राधे कृष्णा की युगल जोड़ी है उनको स्नान कराया जाता है पंचामृत से और उनके कपड़े बदले जाते हैं। और डेली बेसिस पे इनके कपड़े नहीं बदले जाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप डेली इनके कपड़े बदलते हो, स्नान कराते हो क्या? तो ऐसा नहीं है, हम डेली नहीं कराते हैं, क्योंकि इतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। तो हम हर ग्यारस के दिन इनको स्नान करा करके और इनके कपड़े बदलते हैं। यहाँ पर मेरी सफाई भी हो गई है। सफाई होने के बाद में मैंने जो यहाँ पे पूजा के बर्तन थे उन पूजा के बर्तनों को ले जाऊंगी और उनको भी मैं वॉश कर लूंगी। और अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी को जगाने की। तो उनको बड़े ही प्यार से, एक छोटे से बच्चे को जैसे जगाते हैं ना, सेम वैसे ही जगाया जाता है। वैसे तो भजन गा करके जगाया जाता है, जैसे लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, ये वाला भजन गा सकते हैं, या फिर बहुत सारे भजन हैं जो आप गा करके और लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर यही वाला गाना गाती हूँ, यही वाला भजन, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला भजन। तो यही भजन गा करके मैं उनको उठाती हूँ बड़े प्यार से, उनके सर पे हाथ फेरती हूँ। दो ब्लैंकेट उड़ा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी हुई है। बांसुरी लेकर के ये सोते हैं, बिना बांसुरी के ये नहीं सोते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो उनको बांसुरी को साइड में रख दिया है और सुबह उठते ही जैसे बच्चे के ऊपर बहुत प्यार आता है ना, ऐसे ही मुझे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है सुबह सुबह। और हमेशा आता है, जब भी आप यकीन कीजिएगा, जब भी है ना मैं फ्री होती हूँ तो इनके पास आकर के इनसे बातें करती हूँ। इनको इनके साथ में कभी कभी लूडो है, कैरम है, ऐसे गेम्स भी खेलती हूँ। कभी जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं अच्छे या बुरे, इनको मैं सारे कमेंट्स सुनाती हूँ और जो भी कोई वीडियो मैं बनाती हूँ इनको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं अभी आपको कपड़े दिखा रही हूँ इनके, कि इनके जो यही वाले कपड़े हैं ये डेली के कपड़े हैं इनके, और जो फेस्टिवल के कपड़े हैं वो अलग से रखे हुए हैं, नाइट ड्रेस और इनके बेड के जो गद्दे वगैरह है वो भी अलग है, रजाई वगैरह। यहाँ पर ये डेली के कपड़े हैं, ये ऊनी कपड़े रखे हुए हैं और नीचे की तरफ समर्स के कॉटन के कपड़े रखे हुए हैं। तो जो वार होते हैं उनके अकॉर्डिंग पहनाए जाते हैं, जैसे बुधवार है तो ग्रीन, ग्यारस है तो वाइट, और इस तरह से कपड़े पहनाए जाते हैं। और आज देखिए मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली ड्रेस को सेलेक्ट किया है और मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके ये वाले कपड़े पहनाऊँगी। तो पहले से ही मैं कपड़े सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नहलाने के बाद में एकदम से बहुत ठंड सी लगती है ना, तो जल्दी से कपड़े पहना देती हूँ। तो कपड़े वगैरह है उनको निकाल के रख देती हूँ। और ये सिंहासन है, सिंहासन को कभी भी ना खाली नहीं छोड़ते, इसलिए उनकी मुकुट है, उनके बाल हैं, इनको मैं रख देती हूँ। और उसके बाद में जो इनके सिंहासन है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने गद्दे वगैरह उनके हटा दिए हैं और एक कपड़े से इस पूरे आसन को साफ़ कर लूँगी, और जो गद्दा है उस गद्दे को भी मैं पूरा झड़कार करके अच्छे से और इसके ऊपर बिछा दूँगी। तो
तो यहाँ पर मैंने उनके कुशंस भी रख दिए हैं और उनके जो मसन है उनको भी मैंने साइड में रख दिया है। तो इनका सिंहासन भी तैयार हो गया है। अंबारी आती है इनके स्नान भी, तो यहाँ पर मैंने इनके लिए स्नान के लिए एक प्लेट को रख दिया है। इसी प्लेट में इनको नहलाया जाता है डेली। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं नहाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने उनके कपड़े उतार दिए हैं, उनकी नाइट ड्रेस को। और आप है ना, जब भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के आओ ना, तो थोड़ा सा देख करके लाना कि जो इनकी लंगोट है वो बंधी हुई हो। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी के लंगोट नहीं है, तो हमने ये कलावा बांधा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तुलसा जी का पत्ता रख दिया है और एक गंगा, ये इनका स्नान का ही लोटा है, इसके पानी से इनको स्नान कराया जाता है। कभी कभी मम्मी जो है शहद से कराती है, कभी दूध या दही से करा देती है, लेकिन कभी कभी हम प्लेन सिंपल जो पानी होता है उससे स्नान करा देते हैं। लेकिन पानी में ना तुलसा जी का पत्ता डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने तुलसा जी का पत्ता भी डाल दिया है और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं। और जब भी स्नान कराती हूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उनको स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान भी हो गया है। ये उनकी एक टॉवल है, एक्चुअल में ये एक हैंकी है, लेकिन इनकी टॉवल है और अच्छे से इनको मैं पोंछ ले रही हूँ। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम से तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है इनके ऊपर ये ड्रेस। और ये जो पानी होता है ना, इसे हम वापस से इस लोटे के अंदर डाल लेते हैं। और ये पानी जो होता है वो हमारे घर में सब चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी प्लांट में डाल लिया है, नहीं, हम लोग ये खुद है ना पीते हैं इस पानी को चरणामृत के रूप में। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने स्वेटर भी पहना दिया है क्योंकि ठंडी पड़ रही है, और उन्हें सिंहासन पे भी बिठा दिया। हमारी युगल जोड़ी जो है वो भी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं जो रेवड़ी है उसका प्रसाद रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह जो भोग लगाया जाता है उसे राजभोग कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने रेवड़ी का भोग लगा रही हूँ। तो सुबह सुबह कभी कभी हम किशमिश है या काजू बादाम है इनका भोग लगाते हैं, और ऐसी जो ड्राई चीज़ें होती है ना उनका ही भोग लगाया जाता है, इसे राजभोग कहा जाता है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए रख दिया है। यहाँ पे माता रानी के लिए सेपरेट प्रसाद रखेंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी के प्रसाद में तुलसा जी जाती है, लेकिन माता रानी के प्रसाद में तुलसा जी को नहीं रखते हैं। और हमारी कुलदेवी, तो जो हमारे इष्ट देव है वो हमारी माता रानी है, तो उनकी भी हम सेवा पूजा करते हैं साथ ही साथ में। और यहाँ पर देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी वो भी तैयार हो गए, और हमारे राधे कृष्ण हैं वो भी तैयार हो गए हैं। उनको भी मैंने गंगा जल से तो उसे छींटे लगा करके और हाथ मुँह पोंछ दिए थे। तो यहाँ पर हमारे सब चीज़ की तैयारी हो गई है, मैंने पूरी आरती की पूरी तैयारी कर ली है। और ये जो हमारे राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया, हनुमान जी हैं, ये मम्मी चित्रकूट से लेकर के आई थी। एक्चुअली यहाँ पर मंदिर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी तस्वीर वगैरह कहीं ना कहीं की यादें हैं। जो ये पीछे तस्वीर है ना, ये रामेश्वरम की है, और मम्मी जहाँ पर भी कहीं पर भी जाती है ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ याद के तौर पर लेकर के आती है। जैसे अयोध्या गई थी तब भी वहाँ से वो तिरुपति बालाजी गई थी तब भी वहाँ से लेकर के आई। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आती है। हमारे लड्डू गोपाल जी है ना, वो नगरकोट से आए हुए हैं। और बस मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है आरती की, और आरती करने लग गई हूँ। आरती मैं हमेशा वो वाली करती हूँ, आरती तेरी गाओ ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आई शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी।
आरती होने के बाद में मैं यहाँ पर ढोक लगा रही हूँ, और ढोक लगाने के बाद में मैं राधे कृष्ण और सारे भगवान जी से आशीर्वाद ले लूँगी। और आशीर्वाद के रूप में बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझसे जुड़ा हर इंसान, हर रिश्ता खुश रहे। अगर वो सब खुश हैं तो मैं अपने आप ही खुश हूँ। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी और राधे कृष्ण से की बलैया ले रही हूँ कि भगवान जी को कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो इतने सुंदर दिख रहे हैं। और सच में मैं बस भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान जी सबको सुखी रखना, क्योंकि हरि चरण दुख हरण, देने के बाद लेना तो बीमारी है, और जो देकर भी ना ले वही तो हमारे बाकी बिहारी हैं। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने कान्हा जाने। यहाँ पर मैं भगवान जी को, सारे भगवान जी को आरती दिखा रही हूँ, और पूरे घर के अंदर भी मैं आरती दिखा दूँगी। तो इसी तरह से मेरी ये पूजा रहती है, और मैं मनी मन ये सोचती रहती हूँ, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूँ चाहे सुख में रहूँ, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। यहाँ पर मैंने आरती दिखा दी है, और मैं खुद भी आरती ले लूँगी। के बाद में मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए दूध ले आई हूँ, दूध और उनका नाश्ता ले आई हूँ। तो आज नाश्ते में मैं उनके लिए काजू और बादाम लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनके भोग में तुलसा जी के पत्ते डाल दिए हैं, और उनसे कह दिया है कि वो भोग को स्वीकार करें। आज लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मन ही खुश हो गया ऐसा लग रहा है। मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा है कि भगवान जो होते हैं ना, वो एक ऐसी शक्ति होते हैं जो हमारे साथ अच्छा करे या ना करे, क्योंकि अच्छा होना तो हमारे कर्मों के ऊपर है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास रहता है कि वो मेरे साथ में कभी बुरा नहीं होने देंगे। और इन्होंने समय समय पर मेरी ना इतनी इतनी मदद करी है ना, कि मेरा इनके ऊपर विश्वास ना निरंतर बढ़ता ही चला गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मुझे इनकी पूजा करने का मौका मिला। और काफ़ी लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि भगवान जी हमारी तो सुनते ही नहीं है, दी हम क्या करें। कभी कभी तो मन करता है कि भगवान जी की पूजा करना ही छोड़ दें। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भगवान जी हमारी बातें सुनेंगे, हमारी हम जो मांग रहे हैं वो हमारी विशेष पूरी करेंगे क्या, तभी हम उनकी पूजा करेंगे। तो मतलब मतलब वो हमें कुछ देंगे तब हम उनकी पूजा करेंगे। तो ये तो बिजनेस हो गया ना, प्यार कहाँ हुआ यहाँ पे, भक्ति कहाँ हुई, सेवा कहाँ हुई। सेवा तो सबसे बड़ा धर्म होता है, वो कहाँ हुआ। अगर आपको इनसे प्यार है ना सच में, तो अनकंडीशनल प्यार कीजिए। कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए कि भगवान हमें देंगे तभी हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनको प्यार करेंगे, इनकी भक्ति करेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर ये तो एक बिजनेस हो गया। हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी पूजा में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी, और मुझे ना पूरी उम्मीद है कि आप मेरी उस गलती को माफ़ करेंगे और मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा भी करेंगे। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।